आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। गुमला विद्यार्थियों के अभियांत्रिकी कौशल विकास के लिए गुमला पॉलिटेक्निक और ट्वेंटेक इंजीनियरिंग और डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड ओडिशा के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर। आज ट्वेंटेक इंजीनियरिंग और डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड ओडिशा और गुमला पॉलिटेक्निक ने विद्यार्थियों के अभियांत्रिकी कौशल विकास के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। एमओयू हस्ताक्षर के पश्चात ट्वेंटेक इंजीनियरिंग और डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड ओडिशा के निदेशक श्री एनके सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रोफेशनल स्किल प्रशिक्षण की झारखंड में अभी तक कमी है। गुमला पॉलिटेक्निक की यह पहल यहां पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक सुनहरा भविष्य तय करने में मदद करेगा। गुमला पॉलिटेक्निक से पहले पाकुड़ पॉलिटेक्निक में साल 2017 से ट्वेंटेक के द्वारा बच्चों का स्किल अनाउंसमेंट प्रोफेशनली कराया जा रहा है। झारखंड के गुमला से अजित सोनी की रिपोर्ट। खुशी हो रही है कि आज गुमला पॉलिटेक्निक ट्वेंटेक इंजीनियरिंग के द्वारा इंजीनियरिंग के साथ एमओयू साइन कर रहा है, एमओयू साइन कर लिया है और इस एमओयू से यहाँ के बच्चों को ऑटोडेस्क कंपनी के जितने भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैं उनकी पढ़ाई डिप्लोमा के पढ़ाई के साथ कराई जाएगी। ऑटोडेस्क कंपनी का जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जिसको हम सब जानते हैं, ऑटोडेस्क का पॉपुलर सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड, स्टैड प्रो, कैटिया, जीआईएस, ऑटोकैड में भी 3D मॉडलिंग है, मैटलैब है, इन सारे सॉफ्टवेयर की पूरी पढ़ाई कराई जाएगी और साथ में जो सर्टिफिकेशन कराया जाएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ऑटोडेस्क कंपनी जो कि US बेस्ड कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके द्वारा दिया जाएगा। तो गुमला पॉलिटेक्निक के बच्चे अब राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो रहे हैं और आने वाले समय में जब 2022 में हमारे बच्चे फाइनल ईयर के लिए एग्जाम लिखेंगे और कैंपस में जाएंगे तो हम सब ऐसा मानते हैं कि इस MOU के साथ जो उनके अंदर में परिवर्तन हम लोग लाएंगे उससे प्लेसमेंट में काफ़ी सुविधा होगी। हम लोग कॉलेज को हम लोग अभी जस्ट ट्रेनिंग शुरू होने से पहले इनके लैब में हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे और ट्रेनिंग प्रक्रिया उसके बाद शुरू होगी और उसके बाद एक और चीज़ है कि ट्रेनिंग करने के बाद हम लोगों का एक अपना वहां पर प्लेसमेंट का भी है तो हम लोग उस बच्चे को प्लेसमेंट में भी मदद करेंगे जहाँ तक हो सकेगा। हम लोग उसको अपना जो हमारे जो कंपनीज के साथ कुछ टाइप्स हैं तो उस कंपनी को कोशिश करेंगे यहाँ तक लाने का, अगर कंपनी यहाँ नहीं आएगी तो बच्चे को वहाँ तक पहुँचाने का पर्पस होना चाहिए कि बच्चे को प्लेस करना है।